हमारे साथ है इलियास आजमी, आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता। आजमी साहब, टिकट वितरण के टाइम में आप नाराज चल रहे थे, आज जब रिजल्ट आया बहुत बुरा प्रदर्शन हुआ, आप पार्टी ऑफिस में आए हैं, क्या कहने आए? मैं कतई नाराज नहीं उस तरह था, मैं नाराज इस पर था कि तीन मुद्दों पर पार्टी बनी थी, भ्रष्टाचार, गुंडागिर्दी का विरोध, पार्लियामेंट के क्रिमिनलाइजेशन का विरोध पॉलिटिक्स के, और स्वराज, यानी कोई आदमी मालिक ना हो। पार्टी दो मुद्दों पर आज तक अपनी जगह पर स्टैंड कर रही है, भ्रष्टाचार पर उसने कोई समझौता नहीं किया, कुछ चीज़ें आएंगी बाद में, और गुंडागिर्दी पर कोई समझौता नहीं किया, जिसके बारे में जरा भी पता लगा कि इसका ताल्लुक कुछ है। लेकिन स्वराज से कर लिया? नहीं, स्वराज को तो पहले ही दिन गाड़ दिया, घूरे के अंदर गाड़ दिया। किसने गाड़ा और पूरी 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 बात बताइए? बता दिया मैंने। पार्टी की जिस तरीके से हालत हुई चुनाव में, किसको जिम्मेदार मानते हैं? जो जिम्मेदार था वही जिम्मेदार। कौन? जिस आदमी ने अकेले सब कुछ किया वही है जिम्मेदार। नाम बताने में आपको हर्ज क्या है? अरे अरविंद केजरीवाल है।